अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। पंदाना विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, पंदाना विधानसभा की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मेरा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, पंदाना विधानसभा की जनता को, कि हमारी पंदाना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यहाँ पर जीत का प्रथम लहराया है। लेकिन इस बार जो हुआ है हमारे साथ वो बहुत ही गलत हुआ है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, बूथ पर लड़ाई लड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताता है, लेकिन इस बार जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुत ही गलत लिया है। और मेरा जहां तक मानना है कि बाहर के व्यक्ति को जो बिकनगांव विधानसभा क्षेत्र से आता है उस व्यक्ति को आप पंदाना विधानसभा में चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में पंदाना विधानसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको आप चुनाव प्रत्याशी बनाते, चुनाव का प्रत्याशी बनाते? मुझे टिकट का दुख नहीं है, मुझे टिकट नहीं मिला उसका मुझे दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि भारी प्रत्याशी को हमारे पास में थोप दिया गया है। क्या हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतलब हमेशा की तरह अपने आप को अपमानित महसूस करेगा? हर बार हम जिता कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, पंधाना की सीट हम जिता कर देते हैं, और इस बार में हमारे साथ में क्या हुआ है? छल हुआ है, कपट हुआ है हमारे साथ। जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। गलत इसलिए है कि आप इन जनप्रतिनिधियों जो आठ हमारे मित्र बंधु जो भाई बंधु जो मांग रहे थे टिकट, आपको आठों में से एक भी नहीं अच्छा लग रहा था तो आप लोग किसी भी अन्य व्यक्ति को दे देते, पंदाना विधानसभा के व्यक्ति को देते। अभी कांग्रेस मित्रों में ये परंपरा आ गई है कि वो बड़े खुश हो रहे हैं कि रूपाली बारे कांग्रेस की प्रत्याशी है और बीजेपी की प्रत्याशी छाया मोरे, तो कोई भी जीते बोले हमारे पास आएगी वो। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। मित्रों ये बात सोचने और समझने की है, आप देख लीजिए, आपको निर्णय करना है। जब बुरहानपुर में सेहरा भैया चुनाव निर्दलीय जीत सकते हैं तो क्या हम इस बार में हमारी पंदाना विधानसभा में किसी भी निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव नहीं जिता सकते क्या? हम जिता सकते हैं, हमको हमारी ताकत बताना पड़ेगी। जो पूर्व में कभी भारतीय जनता पार्टी को कोसने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन गए हैं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? आप लोगों का मन गवा नहीं दे रहा है? और ये संगठन सर्वोपरि की बात करते हैं, संगठन सर्वोपरि की बात करने वालों जरा आप अपने आप को देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आप कितना नुकसान कर रहे हो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता। शासन की योजनाएं अच्छी है, शिवराज जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जो ये लोग बैठे हैं संगठन में, जो लोग बैठे हैं जो निर्णय ले रहे हैं वो सरासर गलत ले रहे हैं। मेरा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पारंपरिक जो सीट है हमारी पंधाना विधानसभा, वो इस बार शायद ही भारतीय जनता पार्टी के उसमें खाते में जाएगी। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारा निर्दलीय प्रत्याशी जो भी होगा, वो निर्दलीय चुनाव जो भी लड़ेगा, मुझे मालूम है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट नहीं देगा, उसका मन गवाह नहीं देगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ के पंजे पे वोट डाले। मुझे ये भी मालूम है कि कांग्रेस का व्यक्ति उसके मन बनाकर ये बैठा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। इस बीच में हम कहां जाए? तो मित्रों इस बार में हम निर्दलीय प्रत्याशी उतार रहे हैं, आपको पंदाना विधानसभा में प्रचंड बहुमतों से निर्दलीय व्यक्ति का साथ देना है और निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और इस बात में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी बात पे खरा उतरेगा। मेरी देवतुल्य जनता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता
पंधाना विधानसभा के उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी, कार्यकर्ता पूरा मन बना के बैठा है। और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि निर्दलीय प्रत्याशी को आप वोट दें और उसको भारी बहुमतों से विजय बनाने के लिए संकल्प लें, क्योंकि अभी बहुत स्थिति गंभीर होने वाली है। पहले अटल अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब आप खुद समझदार है क्या हो रहा है जमीन स्तर पर। जमीन स्तर के कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं, कोई बखत नहीं है। आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करूंगा कि इस बार जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है हम उसको वोट दें और भारी मतों से विजय बनाकर अच्छे वोटों से जिताकर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।